दोस्तों लेकर आया हूं आपके लिए झारखंड के कुछ टॉप करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मंडल डैम का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को झारखंड के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल नदी पर बनने वाले मंडल डैम का शिलान्यास किया। बरवाड़ी प्रखंड स्थित इस डैम के बन जाने से झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में 1,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यह एक सिंचाई परियोजना है जिसका लाभ झारखंड के 3 जिले पलामू, गढ़वा और चतरा को मिलेगा। यह परियोजना करीब 2,391.36 करोड़ की है। 1972 ईस्वी में ही इसका शिलान्यास किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, लेकिन 1993 ईस्वी में इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। कंस्ट्रक्शन रोकने का मुख्य कारण था पास में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान का, जिसके वन्य जीव को डैम के पानी से खतरा था, इसलिए वन विभाग ने इसकी अनुमति रोक दी थी। नक्सलियों द्वारा इस परियोजना के मुख्य अभियंता की हत्या भी परियोजना के रुकने का कारण था। यह परियोजना अच्छी तरह से सुयोजित नहीं थी, इसलिए शुरू से ही इसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धीमा था। पैसे को लेकर भी इस परियोजना में समस्या चल रही थी। आगे चलते हैं। एक जनवरी 2019 से रांची में ई चालान सिस्टम लागू। राजधानी में अब पहली बार नए साल से ट्रैफिक ई चालान शुरू हुआ है। अब ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिकों के पते पर ई चालान भेजेगी। ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का कहना है कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी। सिग्नल तोड़ने वालों के पते पर चालान भेजा जा रहा है। तकनीकी खामी को जल्द ही समाप्त कर लिया जाएगा। झारखंड की कैप्टन शिखा सुरभि ने राजपथ पर लहराया पंचम। दिल्ली में राजपथ पर होने वाला परेड इस बार झारखंड के लिए खास था। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में झारखंड के हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि भी नजर आई। हजारीबाग जिले की बहादुर बेटी कैप्टन शिखा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व किया। परमवीर चक्र से सम्मानित लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के घर पहुंचे थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत 4 जनवरी को हेलीकॉप्टर से चैनपुर प्रखंड मुख्यालय गए। श्री रावत चैनपुर बाजार स्थित परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलामी दी। इसके बाद वह अल्बर्ट एक्का के पैतृक गांव चली गए। वह समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अल्बर्ट एक्का के घर गए और उनकी पत्नी मलमदीना एक्का को सम्मानित किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। झारखंड के ऐसे करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।